दोस्तों, अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, डिजी लॉकर सत्यापन का। तो डिजी लॉकर सत्यापन कैसे करना है बिना कोई गलती किए हुए सक्सेसफुली, यहाँ पर डिजी लॉकर सत्यापन शुरू कर दिया गया है। पहले यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू था जिससे आप डिजी लॉकर सत्यापन नहीं कर पाते थे। तो डिजी लॉकर सत्यापन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस यहाँ पर आने के बाद स्टडी डॉट कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। अभी तक यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना, इसके लिए कई सारे हमने वीडियो बनाए हैं, वीडियो को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्रेश लॉगिन करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर हम डिजी लॉकर सत्यापन के बारे में बताने वाले हैं और आगे आपका फॉर्म कैसे फिलअप होगा वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम डिजी लॉकर सत्यापन करके दिखाएंगे आपको। डिजी लॉकर सत्यापन शुरू किया जा चुका है, जिसके लिए यहाँ पर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना होगा। जैसे कि आप जिस भी क्लास से हैं तो यहाँ से आपको अपना लॉगिन करना, जैसे आप फ्रेश कैटेगरी के छात्र हैं तो इन्हीं के लिए यहाँ पर डिजी लॉकर सत्यापन शुरू किया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना, तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट लॉगिन। तो यहाँ पर आपको 9th के यदि छात्र हैं तो प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है लॉगिन होना शुरू हो गया। यहाँ पर पहले VR सॉरी का ऑप्शन आ रहा था, उसको भी सही कर दिया गया है। अब यहाँ पर सक्सेसफुली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपको पहले डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देखने को मिलता था, अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालकर अपना लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो आपने डाला था और यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड बनाया था, तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पूर्व दशम कक्षा 9-10 में आधारित छात्र छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली 2023-24, यहाँ पर आपका 2023-24 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कोड सबसे पहले देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन सेल्फ प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी के नीचे यहाँ पर जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है, डिजी लॉकर सत्यापन करें, तो यहाँ पर सिंपली डिजी लॉकर के सत्यापन के बिना आगे आप अपना यहाँ पर छात्रवृत्ति फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिजी लॉकर सत्यापन करना अनिवार्य है। तो डिजी लॉकर सत्यापन पे आपको क्लिक करना है, डिजी लॉकर सत्यापन कराने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरीफिकेशन। तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर वेरीफिकेशन कराने के लिए सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज लोड होगा। थोड़ा सर यहाँ पर आपको समय भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्लो साइड ये चलेगी, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पर नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा, जो भी बॉक्स में कैप्चा कोड सामने दिख रहा है सेम कैप्चा आपको फिलअप करना है। इसके बाद टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है स्कॉलरशिप में उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिलअप करनी रहेगी। नीचे बॉक्स में आपको कैप्चा कोड फिलअप करना रहेगा, जो भी कैप्चा कोड दिख रहा है सेम कैप्चा आपको फिलअप करना है। इसके बाद टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना, देन यहाँ पर आपको सबमिट ओटीपी का ऑप्शन मिल रहा है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना। ओटीपी रिसीव नहीं होती है तो यहाँ पर रिसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी रिसीव हो चुकी है, ओटीपी कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से टॉपअप आएगा, इसको आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो ये आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यदि आपका पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और यहाँ पर पिन डालकर साइनिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर से भी करना चाहें तो मोबाइल नंबर से भी अपना यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूजर हैं, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यहाँ पर डू नॉट हैव एनी अकाउंट पे आपको नीचे यहाँ पर साइनिंग का एक ऑप्शन मिला है, सिंपली आपको साइनिंग वाले आप साइनिंग
साइन अप करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको छात्र का आधार नंबर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर सही से अपना अकाउंट क्रिएट करना है क्योंकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको ध्यान देकर ही यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करना। देन यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेनी है जो भी आपको ओटीपी रिसीव होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको पिन सेट करने के लिए बता रहा है। यहाँ पर आप कोई भी 6 अंक का पिन अपना सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी 6 अंक डाल सकते हैं। इसमें अंक का ही आपका पासवर्ड रहेगा, जो आपको यहाँ पर कंफर्म रहे तो याद रहे वो आप यहाँ पर अपना पिन बना लेंगे। पिन बनाने के बाद नीचे आपको यहाँ पर डन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ पेज लोड होगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम भी शो हो जाएगा। देन यहाँ पर नीचे यहाँ पर ग्रीन टिक भी मिल जाएगा प्रीपी स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर नीचे आपको टॉपअप शो हो जाएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से इसको अलाउ करोगे, अलाउ करने के बाद थोड़ा भी पेज लोड होगा। लोड हो के बाद ये आपको यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर सत्यापन सक्सेसफुली हो चुका है, इस पे ग्रीन टेक भी लग चुका है। इस प्रकार से आप अपना डिजी लॉकर सत्यापन कर सकते हैं। आप यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, छात्रवृत्ति हेतु तो आवेदन पत्र भरें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल चुका है, ये इनेबल हो चुका है। अब ये स्कॉलरशिप फिलअप करने के लिए सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो डिजी लॉकर से सत्यापन कराया, ऊपर आपकी सारी डिटेल शो हो जाएगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, सब कुछ ऊपर शो हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको कुछ व्यक्तिगत डिटेल फिलअप करनी है। जैसे आप विगत स्कूल का नाम, कक्षा 8 में जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम आपको फिलअप करना है। फिर गत वर्ष में आपका परीक्षा जो पास है या फेल है आप वो फिल करेंगे। देन यहाँ पर आपको पूर्णांक फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर कक्षा 8 का जो भी पूर्णांक रहेंगे, नंबर रहेंगे, वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर जिस भी क्लास के लिए या 9th के लिए आप फिलअप कर रहे हैं तो 9th सेलेक्ट करेंगे। एंड हाई स्कूल के लिए फिलअप कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कक्षा में प्रवेश के लेने की जो जिस भी डेट में आपने कक्षा 9th में एडमिशन लिया है उस डेट को आपको फिलअप कर लेना है। यदि आप यहाँ पर बोर्ड पंजीकरण क्रमांक है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना, नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं या इसमें एनवी भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपको बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप 9th में हैं तो आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। देन यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का जो दिनांक रहेगा, जैसे जो टीसी रहेगा उस पर आपको दिनांक रहेगा जिस भी डेट में आपने टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरेट करवाया निकलवाया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एरिया का अपने पिन कोड डाल देना है। देन यहाँ पर आपको मेल आईडी जो है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जहाँ पर आपको स्टार मिलेगा उसके फिल करना मैंडेटरी रहेगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको माता जी का नाम फिलअप करना रहेगा, जो भी आपके माता जी का नाम होगा फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आपको कक्षा 8 उत्तीर्ण होने का वर्ष, जिस भी वर्ष में आपने कक्षा 8 को पास किया है उस डेट को आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना, उस ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको कक्षा 8 में जिस भी विद्यालय से आपने पास किया है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। जो भी आपका विद्यालय रहेगा कक्षा 8 का वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बैंकिंग डिटेल आपको फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर बैंक का जनपद, आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी ब्रांच रहेगी, अपनी ब्रांच आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ भी आपकी बैंक शाखा है, जो वो भी आप वहाँ पर आपको सारी बैंकों के यहाँ पर शाखाएँ मिल जाएंगी। अपन जहाँ भी आपकी शाखा है उस बैंक को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ
वेट करना होगा, और वेट करते ही यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड बैंक से आपका आ जाएगा। जो भी आपके बैंक का आईएफएससी कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको छात्र का नाम डालना है जो भी आपका पासबुक पर रहेगा, वो जो भी आपका बैंक में नाम रहेगा वही आपको यहाँ पर छात्र का नाम फिलअप कर लेना है। खाता संख्या आपको फिलअप कर लेनी है, फिर कंफर्म खाता संख्या आपको दोबारा से फिलअप कर लेनी है, और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालकर नीचे यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम आपको सबमिट करके दिखाते हैं आगे आपको कैसे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जैसे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन देखने को मिला है, सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपका आवेदन पत्र प्रवृत्त सफलतापूर्वक भरा गया है। आपका यहाँ पर जो सफलतापूर्वक अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। इसके बाद होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरें ये आपको ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना आवेदन पत्र संशोधित भी कर सकते हैं, कोई गलती हो गई है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इनेबल कर दिया जाए आय जात वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है, इसको भी इनेबल कर दिया गया। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करने, जो भी आवेदन फॉर्म संख्या होगी वो आपके आय पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आय पे प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या आपको फिलअप करनी है, कैप्चा कोड डालकर गेट डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर दिया जाए। यदि यहाँ पर आपका आय जात पे जो नाम है और यहाँ पर आपने जो वेरिफिकेशन कराया है उससे मैच होता है तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जात भी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप इसी पे क्लिक करके दोबारा से जात भी वेरिफिकेशन इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, इस कारण से हम यहाँ पर आपको आगे का फॉर्म फिलअप करके नहीं दिखा सकते हैं कैसे आपको वेरिफिकेशन कराना है। जब भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएंगे तो हम आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करके दिखा देंगे। जो भी आपका आय जात का वेरिफिकेशन है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताऊँगा कैसे आप अपना आय जात वेरिफिकेशन करेंगे, कैसे आप आधार प्रमाणीकरण करेंगे, फिर NPCI कैसे आप यहाँ पर सत्यापन कराएंगे। सब कुछ हम आगे नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल के साथ उस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी हम यहाँ पर नया वीडियो लाएंगे आपको जरूर जानकारी मिलेगी कैसे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।